डे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेसन इन द ऑलरेडी वी लर्न अबाउट द वॉट इज द मीनिंग ऑफ एच टी एम एल इन द प्रि टॉपिक सो टूडे इन द मोर इन द एच टी एम एल नाउ लेसन नंबर फाइव मोर ऑन एच टी एम एल इन दिस लेसन यू विल भी लर्न अबाउट द हाउ टू इंसर्ट द इमेज कि इस लेसन में आप लोग क्या पढ़ोगे कि इमेज को कैसे हमें इंसर्ट करना है वेब पेज में देन दूसरे टॉपिक क्या है लिंकिंग वेब पेजिस कि दूसरे वेब पेज को हमें कैसे लिंक करना है दूसरे वेब पेज में यानी कि एक वेब पेज हम लोगों ने बनाया है तो उसको दूसरे वेब पेज में कैसे हम लोगों को वहाँ पर लिंक करनी है यानी कि उसकी लिंक सेंड करनी पड़ेगी देन नेक्स्ट वन इज क्रिएटिंग मारक्यू यस मारक्यू का मीनिंग है रोटेटिंग करना यानी कि जो भी टैक्स है या फिर जो भी ऐसी कोई क्लिक होती है आप लोगों ने कहीं पर वेबसाइट में देखा होगा कि सम ऑफ द टैक्स होते हैं वो घूमते रहते हैं यस रोटेट होते रहते हैं तो वो क्या है एंड ऑल्सो वी आर लर्न अबाउट द फ्रेम्स कि हम लोगों को फ्रेम्स किस तरीके से बनानी और क्यों हम लोग उसको यूज करते हैं नाउ द वेबसाइट यू जनरली विजिट हैव लॉट्स ऑफ इमेजेस एज अ पार्ट ऑफ द वेब पेजेस कि वेबसाइट में आप लोगों को कई सारी वेबसाइट में विजिट भी किया होगा और आप लोगों ने देखा भी होगा कि हर एक वेब पेज में इमेजेस एक वहां पर दी हुई होती है हर एक वेब पेज पे यू ऑल्सो नोटिस दैट ऑल द वेब पेजेस आर इंटरलेक्ट विथ ईच अदर यानी कि आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि जितने भी वेब पेजेस है वो इंटरलिंक है एक दूसरे पेज के साथ यस सो विथ ईच अदर समटाइम्स यू सी दैट अ वेब पेज इज़ डिवाइडेड इन टू वेरियस सेक्शन यानी कि कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा कि कुछ वेब पेजिस में आप लोगों ने कि कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं जो डिवाइड किए गए होते राइट एंड साइड आपका उसका डिस्क्रिप्शन दिया होता है लेफ्ट एंड साइड उसकी इमेज या फिर जो भी उसके डिस्क्रिप्शन है तो वहाँ पर इस लेसन में आपको ये भी सीखने को मिलेगा एंड एस्टिमेल अलाउस यू टू इंप्लीमेंट ऑल दिस थिंग्स इन योर वेब पेजेस इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द इंसर्टिंग इमेज क्रिएटिंग मार्क यू Linking web pages and creating frames. Now, first topic is inserting images. Inserting images to your web page enhance its look. HTML allows you to insert images inside the web pages through img tag. The full form of img is image. Yes, image tag. जिस हम लोग क्या बोलेंगे image tag. But will be written. जब भी आप लोग लिखने की बारी आए तब आपको क्या लिखना पड़ेगा img tag. हम लोगों ने आगे भी देखा था कि empty tag कौन है और जो कंटेनर टैग होती है वो भी हम लोगों ने देखा था तो यहाँ पर जो इमेज टैग है दैट इज द एम टी टैग यानी कि उसका ओपनिंग है क्लोजिंग नहीं है सम ऑफ द इमेज फॉर्मेट सपोर्टेड बाई एस टी एम आर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप अंडरलाइन द फुल फॉर्म ऑफ जे पी ई जी यस कि यहाँ पर एच में भी कहीं सारे ऐसे इमेजेस आप लोगों को यहाँ पर आएंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन के तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा दो चलते हैं फॉर्मेट्स यस एक्सटेंशन उसमें से फर्स्ट वन है जे पी ई फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप थर्ड वन नेक्स्ट वन जो है वो है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट द फुल फॉर्म ऑफ जी आई एफ अंडरलाइन यस द फुल फॉर्म ऑफ जी आई एफ इज़ ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट एंड द नेक्स्ट वन इज पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी एन जी यानी कि किसका फुल फॉर्म है पी एन जी का नाउ सम ऑफ द एट्रीब्यूट्स ऑफ इमेज टेक आर फर्स्ट वन इज एस आर सी एस आर सी मीन्स सोर्स उसका फुल फॉर्म क्या है एस आर सी का सोर्स तो सोर्स यहाँ पे क्या कि आप लोग जो भी इमेज ला रहे हो वो कौन से लोकेशन से ला रहे हो कौन सी ड्राइव में से ला रहे हो ठीक है तो दैट इज द मीनिंग ऑफ एस आर सी इट स्पेसिफाइज द सोर्स और यू आर एल ऑफ़ द इमेज दैट हैज़ टू बी इंसर्टेड इन द वेब पेज यानी कि यह क्या है आपको बताएगा कि सोर्स ऑफ द इमेज और यू आर एल यानी कि इमेज का सोर्स है कहाँ से कौन से लोकेशन के वो चीज़ ला रहे हो और इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे यानी कि वेब पेज में इमेज को इंसर्ट करवा सकते हैं नेक्स्ट वन इज द विथ विथ बट किस की विथ दैट्स बी गिवन फॉर द इमेज यानी कि इमेज की विथ कितनी रखनी है हम लोगों को अपने जो वेब पेज है उसमें इमेज की विथ कितनी रखनी है उसका यहाँ पर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इट स्पेसिफाइज द विथ ऑफ द इमेज इन द वेब पेज यानी कि ये क्या स्पेसिफाई करेगा इमेज की विथ को स्पेसिफाई करेगा कितनी रखनी है देन नेक्स्ट वन इज हाइट यस सेम फॉर द विथ जैसे विथ था वैसे ही इमेज की हाइट क्या रखनी है इन दिस वेब पेज यस कि वो में क्या है किस तरीके से कितनी हाइट रखनी है कितनी विथ रखनी है वो यहाँ पर हम लोगों को डिस्क्राइब करेगा सो दैट इज द मीनिंग ऑफ हाइट इज इट स्पेसिफाइज द हाइट ऑफ द इमेज इन द वेब पेज यानी कि वो क्या स्पेसिफाई करेगा वेब पेज में कि इमेज की हाइट कितनी रखनी है यस दिस आर द एट्रीब्यूट एस आर सी विथ हाइट वो किसके एट्रीब्यूट है इमेज टेक के नेक्स्ट वन इज अलाइन यस दो टोटल इज द Uh, यहाँ पर अलाइन का मीनिंग क्या होता है कि आपको कौन सी साइड पे इमेज को सेट करना है राइट साइड लेफ्ट साइड सेंटर में टॉप में मिडल में या फिर बॉटम साइड सो इट अलाइंस द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द नेक्स्ट प्लेस्ड एजेंट्स टू द इमेज इमेज कैन बी अलाइन लेफ्ट राइट मिडल बॉटम एंड टॉप यस कि इमेज को कौन सी साइड पर रखना है लेफ्ट एंड साइड रखना है तो लेफ्ट एंड साइड राइट एंड साइड रखना है तो राइट एंड साइड बॉटम साइड रखना है तो बॉटम साइड टॉप साइड रखना है तो टॉप साइड और नेक्स्ट वन इज कि आपको कहां पर उसको सेट करना है किस तरीके से सेट करना है तो इसके लिए हम लोग कौन सा एलिमेंट यानी कि एट्रीब्यूट यूज करेंगे अलाइन एट्रीब्यूट को यूज करेंगे नेक्स्ट वन इज बॉर्डर इट स्पेसिफाइज द थिकनेस ऑफ द बॉर्डर सराउंडिंग द इमेज बोर्डर किसकी इमेज की बॉर्डर यानी कि ये एक एट्रीब्यूट है कि इमेज को किस टाइप की बॉर्डर देनी है यानी कि थिकनेस ऑफ द बॉर्डर सराउंडिंग द इमेज यानी कि इमेज के इसके यानी कि बाजू में उसके जो तो आउटर साइड होती है उसकी बॉर्डर कितनी रखनी है दैट्स बी स्पेसिफाइड बाय द बॉर्डर एट्रीब्यूट एंड द लास्ट वन इज द अल्टर ए एल नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज अल्टर यानी कि ए एल टी दिस एट्रीब्यूट इज स्पेसिफाइज द अल्टरनेट टेक्स टू बी डिस्प्लेड इन द वेब ब्राउजर इफ़ द प्रोवाइडेड इमेज इज नॉट फाउंड यस यानी कि ये टूबिट क्या वर्क करेगा अगर कहीं पर ऐसा भी होता है कि जब भी आप लोग वेब ब्राउजर को ओपन करते हो तब आप लोगों की इमेज वहाँ पर डिस्प्ले नहीं होती है तो उसकी जगह पे, यानी कि उस इमेज की जगह पे आप लोगों को वहाँ पर जो भी आप लोगों ने टैक्स दिया होगा यानी कि जो भी आप लोगों ने रखा होगा नेम ऑफ द इमेज वो वहाँ पर डिस्प्ले होगा यस क्लियर एवरी सो इन द इमेज इमेज टैग में आप लोगों के फर्स्ट वन एट्रीब्यूट कौन से है सोर्स यानी कि एस आर सी नेक्स्ट वन इज विथ नेक्स्ट वन इज हाइट इसके बाद अलाइन उसके बाद बॉर्डर और उसके बाद ए एल टी जिसमें कंपल्सरी एट्रीब्यूट में आता है एस आर सी यानी कि सोर्स ऑफ द फाइल कि आप लोगों की इमेज फाइल कहाँ पर कौन से लोकेशन में से ला रहे हो ये एट्रीब्यूट आप लोगों का मेन इसमें है यानी कि ये इंपॉर्टेंट है इसके बिना आप लोग कोई भी इमेज को वेबसाइट या फिर वेब पेज में आप लोग वहां पर इंक्लूज यानी कि उसको वहाँ पर ला नहीं पाओगे क्लियर एवरियन सो द फर्स्ट वन एट्रीब्यूट इज एस आर सी यानी कि सोर्स नेक्स्ट वन इज विथ उसके बाद क्या आएगा हाइट उसके बाद अलाइन उसके बाद बॉर्डर और उसके बाद ए एल टी यानी कि टोटल कितने हुए एट्रीब्यूट यानी कि सिक्स एट्रीब्यूट ऑफ द इमेज टेग क्लियर एवरियन यहाँ पर एक कोड दिया हुआ है लेकिन वो कोड हम लोग नहीं देखेंगे अभी शो इंश्योर दैट एन इमेज विच यू वॉन्ट टू इंसर्ट ऑन द वेब पेज शुड बी सेव्ड एट द लोकेशन वेर यू सेव्ड योर एस टी एम एल फाइल इफ़ यू वॉन्ट टू इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम एनी अदर लोकेशन यू नीड टू प्रोवाइड द कंप्लीट पार्ट ऑफ द इमेज टू द एस आर सी एट्रीब्यूट यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है अगर आप लोगों की जो वेब पेज की फाइल है यस yes, वो दोनों एक ही जगह पे है यानी कि इमेज फाइल और ये वेब पेज जो भी आप लोगों ने बनाया है दोनों अगर एक ही जगह पे है तो डायरेक्टली आप लोगों को पूरा पाथ देने की जरूरत रहेगी नहीं बट अगर कोई दूसरे लोकेशन में है तो आप लोगों को उसका पूरा पाथ लिखने की जरूरत रहेगी यानी कि कंप्लीट पाथ आप लोगों को कहाँ पर देना पड़ेगा एस आर सी एट्रीब्यूट यानी कि सोर्स एट्रीब्यूट में क्लियर एवरी वन नाउ नेक्स्ट वन इज क्रिएटिंग मार्क्यू वाइल सर्फिंग द इंटरनेट You might have seen the moving advertisement in the form of text or images. Yes, जैसे हम लोग सर्फिंग का मीनिंग क्या होता है सर्च करना कि हम लोग इंटरनेट पे कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं चाहे वो हमारे एजुकेशन के रिलेटेड हो या फिर कोई भी हम लोगों को कोई भी प्रोजेक्ट दिया हुआ है तो उसके रिलेटेड हम लोग कहीं बार क्या करते हैं सर्च करते हैं इंटरनेट पे तो हम लोग ये चीज़ काफ़ी बार देखते हैं कि जो हमारी एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें टैक्स होता है इमेज होती है वो घूमती रहती है यानी कि रोटेट होती रहती है तो इसके लिए हमारे पास एक और टैग है दैट इज़ अ मार्क्यू टैग उसे हम लोग क्या कहेंगे मार्क्यू टैग ताकि द मूविंग ऑब्जेक्ट गेट स्पेशल अटेंशन ऑफ द यूज़र यानी कि यूज़र के सामने वो ऑब्जेक्ट यानी कि जो चाहे टैक्स हो या फिर आप लोगों का इमेज हो वो क्या रहेगा अटेंशन यानी कि यूज़र के ऊपर डायरेक्टली हमारा जो माइंड सेट होता है हमारी जो आइज़ होती है वो उस पर डायरेक्ट आ जाए यानी कि उसको अटेंशन मिले इसलिए इट मे समटाइम्स डिस्ट्रैक्ट द यूज़र कई बार ऐसा भी होता है कि यूजर को वो क्या करेगा डिस्ट्रिक्ट भी करवाएगा यानी कि इधर उधर आप लोगों को देखने के लिए वो भी कर सकता है एस टी एम एल अलाउ्ज यू टू मूव योर ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट राइट अप एंड डाउन यूजिंग द मार्क यू टैग यानी कि एस टी एम एल क्या अलाउ कर रहा है कि आप लोगों की जो टैग है यानी कि आप लोगों ने जो भी इमेज रखी है या फिर आप लोगों ने जो भी टैक्स रखा है वो आप लोग लेफ्ट घुमा सकते हो लेफ्ट टू तो राइट घुमा सकते हो राइट टू तो लेफ्ट घुमा सकते, तो सकते हो अप यानी कि टॉप टू बॉटम घुमा सकते हो और बॉटम टू टॉप उसके हिसाब से आप लोग वो चीज़ को घुमा पाओगे लेकिन आप लोगों को डिसाइड करना है कि हम लोगों को किस तरीके से वो इमेज टे यानी कि मार्किटैग को यूज करना है द मार्क टैग इज़ अ कंटेनर टैग इमेज टेक कैसी थी इज अ आ... <coughs> इमेज टेक कैसी थी इज अ ओपनिंग टैग उसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं था इसलिए हम लोग उसको उसको क्या कहेंगे यस उसे हम लोग क्या कहेंगे एम टी टैग बट ये जो टैग है मार्क्यू टैग दैट इज अ कंटेनर टैग कंटेनर टैग मीन्स जिसका ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है दोनों है इसलिए दिस टैग इज ऑल्सो कोल्ड एज अ कंटेनर टैग इट टैक्स द टैक्स और इमेज बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग द मार्क्यू टैग इसका मीनिंग क्या है कि इसके बीच में ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में जो भी आप लोगों ने लिखा है चाहे वो टैक्स हो या फिर इमेज आप लोगों ने इंसर्ट करवाई हो वो रोटेटेड होते घूमेगा यहाँ पर आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया हुआ है फिर भी ये एग्जाम्पल हम लोगों को यानी कि प्रैक्टिकल के टाइम पे हम लोग देखेंगे कि ये चीज क्या है क्लियर एवरी वन द मार्क्यू टेक द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स अब इमेज टेक के भी कुछ एट्रीब्यूट थे अब यहाँ पर किसके एट्रीब्यूट है मार्क्यू टेक के द फर्स्ट वन एट्रीब्यूट इज बिहेवियर फर्स्ट वन एट्रीब्यूट कौन सा है बिहेवियर का इट कैन हैव थ्री वैल्यूज यानी कि उसकी तीन वैल्यू है विच आर स्लाइड स्क्रोल और अल्टरनेट यानी कि क्या है स्लाइड भी है स्क्रोल भी है और अल्टरनेट भी है अब तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे क्या है और क्या नहीं है फर्स्ट वन इज द स्लाइड विल मेक द ऑब्जेक्ट मूव ओनली वंस यानी कि स्लाइड में क्या रहेगा कि ये जो जो भी आप लोगों ने टेक्स रखा है या फिर आप लोगों ने जो भी इमेज रखी है वो सिर्फ एक ही बार घूमेगा ओनली वंस दैट इज वेन ऑब्जेक्ट रिच इज द एंड पॉइंट द ऑब्जेक्ट स्टॉप्स मूविंग एंड नो मूवमेंट इज सीन आफ्टर वर्ड्स यस यानी कि एक ही बार वो पूरा घूमेगा जब वो ऑब्जेक्ट जो भी आप लोगों ने टेक्स रखा है या फिर इमेज रखी है वो उसके एंड पॉइंट पे पहुंच जाए तो ऑटोमेटिक जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको मूविंग करना यानी कि उसको क्या करेगा स्टॉप कर देगा और कोई भी किसी भी टाइप की मूवमेंट आगे होगी नहीं यू नीड टू प्रेस एफ फाइव और रिफ्रेश द वेब पेज टू सी द आउटपुट अगेन अगर अगर आप लोगों को वापस देखना है तो उसी पेज को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा यानी कि रिफ्रेश करना ज़रूरी होगा तब वापस आप, आप लोग स्क्रॉल करके यानी कि जो भी आप लोगों ने टेक्स दिया होगा वो आप लोगों का स्क्रॉलिंग यानी कि मूवमेंट करेगा यानी कि मूविंग करेगा क्लियर एवरी वन नेक्स्ट वन इज द सेकेंड वन वैल्यू इज द स्क्रॉल इसका मीनिंग क्या है विल मेक द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू द एंड एंड द इमरजेस आउट अगेन फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट यानी कि ये चीज़ क्या रहेगी इज अ लुपिंग टाइप यानी कि ये घूमती रहेगी यस yes? यानी कि वो क्या करेगी घूमती रहेगी हर टाइम यस yes, अगर आप लोग रिफ्रेश नहीं करते हो फिर भी ये जो टैक्स है या फिर जो इमेज है वो आप लोगों की जो इमेज रहेगी वो भी क्या रहेगी घूमती यानी कि मूवमेंट उसकी होती रहेगी इट सेम्स दैट द ऑब्जेक्ट इज कमिंग आउट टू ऑफ द स्टार्ट पॉइंट एंड गोइंग इन साइट द एंड पॉइंट एंड कंटिन्यूस टू डू द सेम थिंग यानी कि ये रोटेट पूरा कंटिन्यूस रहेगा जब तक आप लोग वेब पेज को या फिर वेबसाइट को क्लोज नहीं करोगे तब तक ये पेज क्या रहेगा घूमता ही रहेगा इट फॉलोज द सेम लूप अगेन एंड अगेन यानी कि स्क्रॉलिंग में क्या रहेगा वो जब तक आप लोग वेब पेज को क्लोज नहीं करते उसकी विंडो को वेब ब्राउजर की विंडो को क्लोज नहीं करते हो तब तक ये जो आप लोगों ने टैक्स दिया होगा या फी दी होगी वो घूमती ही रहेगी नेक्स्ट वन इज द अल्टरनेट वैल्यू इसकी तीन वैल्यू बिहेवियर की स्लाइड स्क्रॉल एंड अल्टरनेट अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे अल्टरनेट के बारे में विल मेक द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड एंड द बाउंस बैक फ्रॉम द एंड टू स्टार्ट यानी कि क्या करेगा वो रिपीट करवाएगा यानी कि स्टार्टिंग टू एंड वापस बाउंस होके पूरा घूमेगा नहीं लेकिन वापस क्या करेगा जहां पर एंड तक पहुंच गया तो ऑटोमेटिक वो एंड से क्या करेगा वापस वो उसको बाउंस करके भेजेगा इट सीम्स दैट द ऑब्जेक्ट बाउंसिंग बिटवीन द स्टार्ट एंड द एंड पॉइंट यानी कि एंडिंग से यानी कि स्टार्टिंग से एंडिंग तक वो क्या करेगा बाउंसिंग ही रहेगा वो पूरी की पूरी लूप घूमेगी नहीं क्लियर है एवरीवन सो बिहेवियर इज द एट्रीब्यूट ऑफ द मार्किटेग जिसकी तीन वैल्यू है स्लाइड स्क्रॉल एंड अल्टरनेट क्लियर एवरी वन नाउ नेक्स्ट वन इज द डिरेक्शन एट्रीब्यूट यानी कि सेकेंड वन एट्रीब्यूट कौन सा है डिरेक्शन इट अलाउज यू टू सेटअप द डिरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट विल मूव यानी कि ये या क्या करेगा डिरेक्शन की ऑब्जेक्ट को आप लोगों को किस साइड पे सेट करना है यानी कि उसकी कितनी वैल्यू होती है फोर दैट वैल्यू इज अप डाउन राइट एंड लेफ्ट जिसका मीनिंग सबको पता है कि अप का मीनिंग क्या होता है डाउन का मीनिंग क्या होता है राइट right का मीनिंग क्या होता है और लेफ्ट का मीनिंग क्या होता है तो वो चीज़ हमें किस तरीके से यूज करनी है मार्किूट डिरेक्शन इज इक्वल टू अप इन द डबल इन्वर्टेड में सो so उसका मीनिंग क्या होता है कि जो भी आप लोगों ने ऑब्जेक्ट दिया होगा ऑब्जेक्ट मीन्स चाहे वो टेक्स भी हो सकता है या फिर इमेज भी हो सकती है क्लियर एवरी वन सो वो अपवर्ड डिरेक्शन में वो घूमेंगे यानी कि बो, बॉटम टू टॉप डाउन में कैसा रहेगा टॉप टू बॉटम राइट में कैसा रहेगा लेफ्ट टू राइट और लेफ्ट में कैसा जाएगा राइट टू लेफ्ट में क्लियर एवरी वन सो दैट इज़ द फोर वैल्यूज ऑफ द डेक्शन एट्रीब्यूट क्लियर सो एट्रीब्यूट वैल्यू कौन कौन सी है अप डाउन राइट एंड लेफ्ट नेक्स्ट वन जो एट्रीब्यूट है वो है स्क्रोल अमाउंट स्क्रोल अमाउंट मीन्स इट इंडिकेट द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट यानी कि मूविंग जो हो रहा है ऑब्जेक्ट इमेज है या फिर टैक्स है उसकी स्पीड कितनी रखनी है सो स्क्रोल अमाउंट इज इक्वल टू वन वन इज द वैल्यू इट मीन्स स्लोएस्ट मूविंग ऑब्जेक्ट यानी कि वो स्लो में घूमेगा स्लो होगा यस yes, ज्यादा फास्ट भी रहेगा नहीं तो यहाँ पर अगर आप लोगों की वैल्यू वन होगी तो जो भी आप लोगों ने टैक्स रखा होगा वो स्लो स्पीड में आगे घूमेगा क्लियर एवरी वन और जब अगर उसकी वैल्यू टेन रहेगी तो उसकी स्पीड कितनी रहेगी मीडियम रहेगी कितनी रहेगी मीडियम अगर उसकी वैल्यू ट्वेंटी रखोगे तो दैट इज़ द स्पीड इज द फास्टेस्ट यानी कि सबसे फास्ट स्लो मीडियम एंड फास्ट यानी कि अगर स्लो होगा तो वन मीडियम होगी तो टेन और फास्टेस्ट आपको करना है घुमाना है तो उसकी वैल्यू कितनी रखनी है आप लोगों को ट्वेंटी बट उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करना है स्क्रोल अमाउंट क्लियर अदर एट्रीब्यूट्स इंक्लूड द अलाइन बीजी कलर विथ विच वर्क इन द सेम वे एज डन विद द अदर एस टी एम एन टेग इसके अंदर यानी कि और भी एट्रीब्यूट यहां पे यूज होते हैं अलाइन एट्रीब्यूट की कौन सी साइड पर रखना है लेफ्ट राइट सेंटर यस बीजी कलर दैट्स ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल दैट बीजी कलर का मीनिंग क्या होता है बैकग्राउंड कलर और विथ का मीनिंग क्या होता है कि उसकी विथ कितनी रखनी है सो इज द सेम वर्क जैसे हम लोग दूसरे इमेज टैग में यूज करते थे वैसे ही यहाँ पर इसका भी यूज़ सेम तरीके से होता है नाउ द मार्क्यू मार्यूटैक वॉज एडेड बाई माइक्रोसॉफ्ट माइक्यूटेक किसने एड करवाया माइक्रोसॉफ्ट में एंड इज नॉट सपोर्टेड बाई ऑल द वेब ब्राउजर ऐसा भी मत सोचना कि यहाँ पर वेब ब्राउजर में सपोर्ट नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे यस yes? दूसरे कई सारे ऐसे वेब ब्राउजर होते हैं जैसे मोजिला फायरफॉक्स है गूगल क्रोम है तो उसमें ये चीज़ वहाँ पर सपोर्ट नहीं होती है तो ऐसा टेंशन मत लेना कि सर ये मेरा नहीं हो रहा है कि कैसे करेंगे क्लियर एवरी बिकॉज देट इज़ द सॉफ्टवेयर यानी कि ये जो एट्रीब्यूट है वो किसने डेवलप करवाया था माइक्रोसॉफ्ट ने इन वेब ब्राउजर लाइक नेटस्केप नेविगेटर द ब्लिंक टैग वर्क्स इन द सेम वे एज द मार्क्यू अगर नेटस्केप नेविगेटर वेब ब्राउजर है आप लोगों के पीसी में या फिर लैपटॉप में तो वहाँ पर मार्क्यू की जगह पे आपको क्या यूज़ करना है ब्लिंक टैग को क्या यूज करना है ब्लिंक टैग सो ये मार्क्यू की तरह ही वर्क करेगा बट द टेग बिकॉज दिस ब्राउजर डू नॉट सपोर्ट द मार्क्यू टेग यानी कि अगर नेटस्केप नेविगेटर है तो वहां पर मार्क्यू टेग सपोर्ट नहीं करता है बट उसकी जगह पे कौन पर कौन सी एट्रीब्यूट वहां पर कौन सी टेग वहां पर आप लोगों को सपोर्ट करेगी ब्लिंक एट्रीब्यूट क्लियर एवरी वन तो हम लोगों ने यहां पर दो चीज देखी हाउ टू इंसर्ट द इमेज यस उसके कितने एट्रीब्यूट है वो भी हम लोगों ने देखा और दूसरी चीज क्या देखी दूसरा टेक कौन सा देखा हम लोगों ने मार्क्यू टेक कि हमें जो भी टैक्स या फिर इमेज है उसको कैसे रोटेट करवाना है क्लियर एवरी वन सो दिस टू टेक आर इन द सेम वे वी कैन ऑल्सो सी द प्रैक्टिकल ये चीज़ हम लोग प्रैक्टिकल में भी अभी देखेंगे क्लियर एवरी वन आगे बात सबको समझ में तो ये चीज़ आप लोगों को, को कोई भी इमेज या फिर कोई भी टैक्स एज अ प्रैक्टिकल आपको अपने हिसाब से करना है क्लियर दोनों टेक दोनों टेक के जितने भी एट्रीब्यूट है हर एक एट्रीब्यूट एक हर बार यूज़ होना चाहिए यानी कि पहली टाइम हम लोगों ने कोई भी एक एट्रीब्यूट एक एक यूज़ किया है तो उसको उसको लिखो उसका आउटपुट देखो किस तरीके से आता है तो उसका आउटपुट भी आपको पता चलेगा कि मैं ये इस तरीके से करूँगा तो यहाँ पर मेरा आउटपुट ये चीज़ आएगी क्लियर एवरी वन ताकि आपको पता चले कि क्या आउटपुट मिल रहा है और किस तरीके से हमें वो चीज़ को लिखना है क्लियर एवरी वन यस आगे बात सबको समझ में Okay, thank you, have a nice day.